आजाद हूँ। वो बहुत खुश और चहचहाती हुई घर में दाखिल हुई। इसने 8वीं जमात में आला नंबरों से पोजीशन हासिल की थी। वो हाथ में पकड़े तहाइफ मजबूती से पकड़े तकरीबन चिल्लाते हुए अपनी कामयाबी बता रही थी। सब इसके पास जमा हो चुके थे और प्यार भरे जुमलों से इसकी खुशी दुबाला कर रहे थे। अचानक ही भाई जान अपने कमरे से एक मोमी लफाफा उठाए निकले और वो बगैर सांस लिए भाई जान को जल्दी जल्दी अपनी कामयाबी की रौदात सुनाने लगी और भाई जान के चेहरे से इसकी कामयाबी की खुशी आया हो रही थी। उन्होंने मोमी लफाफे से एक बड़ी सी खूबसूरत चादर निकाली और इसे उड़ा दी और माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया और बोले, अब हमारी रानी बड़ी हो गई है और आज से पर्दा शुरू है रानी का। नौरीन ने चादर को अपने ऊपर ठीक से लपेटा और खुशी से अपनी अम्मी और बहनों को दिखाने लगी। नौरीन सब बहन भाइयों से छोटी और लाडली थी। सब प्यार से इसे रानी कहा करते थे। इनका घराना एक पढ़ा लिखा और दीनदार घराना था। नौरीन जिंदगी के मजीद 8 साल गुजार चुकी थी और इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अब वो घर की रानी नहीं रही थी, एक नामी ग्रामी एनजीओ के पीछे चलते चलते वो बहुत कुछ गंवा चुकी थी। अपना घर, अपने लोग, हत्ता के अपनी सबसे कीमती मता भी। भाईजान ने इसे जिस चादर के हसार में दिया था वो कब की खो चुकी थी। इसे एनजीओ ने हकूक और आज़ादी के नाम पर बुलाया था, लेकिन वहाँ आज़ादी के सिवा सब कुछ था। एक ऐसी कैद जिसमें इसको ता हयात जिंदगी के दिन गुजारने थे। अब भी वो मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में जाती थी जहां वो नारा लगाती थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लेकिन एनजीओ के हेड की तरफ से इसे चुस्त लिबास पहनने की पाबंदी थी और खास तौर पर सड़क पर इन्हें दुपट्टा ओढ़ने की ममानत थी। वो नारा लगाती थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन इसका हाथ बेअख्तियार दुपट्टा की तलाश में से रखता था। इसे भाई का वो अपने गिर दुपट्टा लपेटना याद आता था। वो गले की आखिरी हद से चीख कर नारा लगाती थी, लेकिन इसकी आंखों के किनारे से आंसू फिसल जाते थे। इसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ वो नहीं, अक्सर इसकी साथी वर्कर्स फेस्टिवल से वापसी के वक़्त थकी हारी हाथ की पुश्तों से आंखों के किनारे साफ करती नजर आती थी, लेकिन जुबान पर एक ही जुमला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बातिल के इन्हीं जहरीले नारों की राज अफशाई और काले हथकंडों का पर्दा जाग करती एक सीरीज का आगाज इंशाल्लाह जल्द किया जाएगा। ओनली ऑन ISHUT, स्टे कनेक्टेड, कीप स्माइलिंग। यमानिल्ला, अस्सलामु अलैकुम।